एक जंगल में चिड़ियों का बहुत सारा दोस्त रहा करता था। उसमें पीली चिड़िया का नाम था चीकू और उसके दोस्त ने उससे बात कर रही थी कि चीकू तुम्हें एक बात बताना था। बोला, क्या बात है? तो फिर उसके दोस्त कौवा ने बोला कि अभी तो बारिश का मौसम आएगा, तब तो तुमको रहने की जगह चाहिए होगा, तो इसीलिए हमारे साथ कैसे रहोगे, तुम्हें एक नया जगह ढूंढना पड़ेगा। ये बात सुन के चीकू बहुत दुखी भी हो गई थी। बोला, ठीक है, मैं चली जाऊंगी जगह ढूंढ के। फिर चीकू उड़ते उड़ते अपनी दोस्त को ढूंढ रहा था। कहाँ चला गया दोस्त? वो दोस्त को ढूंढ ढूंढ के ऊपर से देख रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। फिर वो मिल गया एक गांव में। बोला, कबू कबू तुम कहाँ थे? मैं तुमको बहुत ढूंढ रहा था। कबू ने बोला, क्या हुआ? मैं तो इधर ही थी। तब चीकू ने बोला, हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, बारिश का मौसम आया है। तो कौवा ने हमें बोला, अभी हमें दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए तुमको मैं ढूंढ रही थी। तभी उसके बच्चों ने भी उसकी माँ का बातें सुन रहे थे। तब चीकू के बच्चे भी रो रहे थे और उसके बच्चों के दोस्त भी रो रहे थे कि तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, हम दोस्त हैं ना। इधर चीकू और उसके दोस्त कबू दोनों जगह ढूंढ रहा था घोंसला के लिए नया। बारिश आने से पहले ही जाना पड़ेगा। एक पेड़ मिला बड़ा सा और उधर जाके बोला कि हमें एक जगह चाहिए, तुम हमें जगह दोगे क्या? तभी पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने तब बोला कि नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। तब उन दोनों को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे बोला, पेड़ के पूरे बात सुने बिना ही दोनों चले गए। फिर वो दोनों एक दूसरा जगह में अपना घोंसला बना लिया है। और एक दिन बहुत जोरदार बारिश आने लगी और उसी बारिश के दौरान बहुत सारा पेड़ भी डूब गया था। और उस दिन उन दोनों को सुनाई में आया था कि जिस पेड़ के पास गए थे पहले, वो पेड़ भी टूट गया। वो दोनों ही उधर आए और पेड़ को बोला कि देखा, ये क्या हो गया, हमारे साथ तुमने अच्छा नहीं किया था, हमें जब ज़रूरत था तब तुमने हमें जगह नहीं दिया था, तो अभी देखो बारिश के मौसम में क्या हो गया। तभी पेड़ ने आवाज़ लगाई। पेड़ ने बोला कि उस दिन तुम दोनों मेरे बात सुने बिना ही चले गए थे, मेरे शाखा बहुत कमज़ोर हो गए थे, अगर तुम दोनों को उधर जगह देती आज शायद तुम दोनों यहाँ पे नहीं आ पाती। ये बात सुन के दोनों को ही बहुत दुखी हुआ। तो चीकू और कबू को ये बात से एक बात पता चला कि हमेशा दूसरों के बात पूरा सुनने के बाद ही अपना राय बनाना चाहिए।